बेसिकली आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में देसी घी। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, ठीक है। इसे करिए आधा बोल सूजी हुई, ठीक है। मेरा घी गर्म हुआ, इसके अंदर मैंने डाल दी सूजी, ठीक है। इसको चलाते हुए सिम पे मैं भूनूंगी, बड़े अच्छे से चलाएंगे। अभी आपको घी कम लग रहा होगा, बट ये है ना, ठीक है। मेरा इंस्टेंट हलवा बनता है और बहुत बेहतरीन बनता है। अब हम सूजी को ना चलाते हुए इसी तरह से भून लेंगे इसी के अंदर, ठीक है। सिंपल हलवा, बहुत सिंपल। आप खाएंगे तो आप खुद ही फैन हो जाएंगे सर। देखिए मेरी सूजी कुछ स्टेज पे आ गई है, सिम पे भूनते भूनते इसे थोड़ा और भूनेंगे, ठीक है, ताकि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्रेंड्स भूनते भूनते ना कुछ स्टेज पे ऐसे आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी इलायची, चिरौंजी, किशमिश। बाकी आपका मन करे आप को ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे कहने के पे इसके अंदर चिरौंजी डाल के देखिएगा, बहुत माइंड ब्लोइंग फ्लेवर आता है। चिरौंजी और इलायची 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छे से, ठीक है। सिम पे ही भून रहे हैं, भून लेंगे। सूजी का कुछ इस तरह से कलर हो गया। हमें ज़्यादा ब्राउन बेसिकली करना नहीं है, क्योंकि मैं बना रही हूँ रवा केसरी का हलवा ना, बिल्कुल ब्राउन वाला हलवा बनता है जो हम कंचखो में बनाते हैं। अब मैं बना रही हूँ रवा केसरी, तो बेसिकली जो साउथ इंडियन टाइप का हलवा होता है, ठीक है। तो मैं इसमें लगा रही हूँ पानी। मैंने हलवे के अंदर डाला पानी, से अच्छे से चला लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, ठीक है। ये सिम पे ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए हलवे के ऊपर घी आना मेरे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ हमें करना है। ऐसे के लिए किशमिश मैंने डाल ही दिए फ्रेंड्स। इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर डाले हैं केसर के स्ट्रिंग्स। बेसिकली केसर को मैंने धूप में नहीं भिगोया है, जस्ट नॉर्मल इसके मैंने स्ट्रिंग्स डाले हैं, ताकि मेरे हलवे का येलो कलर हो जाए, ठीक है। अच्छे से भूनने देंगे। केसर के स्ट्रिंग्स डाले हैं जिनको मैंने दूध वगैरह किसी चीज़ में नहीं भिगोया था, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने चीनी भी नहीं डाली, अच्छे से भूनने देंगे। बेसिकली फ्रेंड्स आप हलवा देख सकते हैं, स्टेज पर मेरा हलवा ना भून गया, ठीक है। कुछ लाइट येलो इसका कलर आया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, ठीक है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फ्रेंड देखिए चीनी मैंने डायरेक्ट डाली है, कोई अलग से चाशनी नहीं बनाई। इंस्टेंट ईजी रवा के इसके टाइप हलवा बहुत टेस्टी बनता है। 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि चीनी डाली है तो चिपकने के चांसेस बहुत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। शुद्ध देसी घी है, बेसिकली घर का बना हुआ। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर भी करी थी। इसको अच्छे से चलाते रहे हम हलवे को अपने 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और फ्रेंड्स हलवा कुछ इस तरह से दानेदार एकदम टेम्पटिंग बना। देखिए इसके दाने छिड़क रहे हैं और टेम्पटिंग देसी घी युक्त मस्त हलवा बना, एकदम प्यारा हलवा बना। अभी मैं इसको कटोरी में डाल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा हलवा कुछ बना है।